आज हम परसेंटेज वेट और वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे इसके बारे में कह रहे थे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो वेट बाय वेट परसेंटेज में पूछेगा कि 5 ग्राम ऑफ KBr या कोई भी सल्यूट ले लें, इज डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द परसेंटेज वेट और वेट ऑफ द सोल्यूशन। तो इसको कैसे करेंगे, अब ये देखें, ये करने का बहुत आसान सा तरीका है। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू कितना सल्यूट का मास ऑफ सल्यूट, 5 ओवर, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लेना आपने। ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं, सारे बच्चे तकरीबन 50% बच्चे इसको गलत करते हैं, वो 20 ले लेते हैं। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन लेना है, 20 + 5 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 5 5 20 दैट, तो ये 20% वेट बाय वेट इसका आंसर आ गया। तो आपने मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में, अब ये देखें, वो आपको आप परसेंटेज वेट बाय वेट दे सकता है और NaCl का मास दे सकता है जो 18 ग्राम में डिजॉल्व किया हुआ है। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड करना है, एक्स मैस ऑफ सॉल्वेंट, मैस ऑफ सॉल्वेंट जब तक सोल्यूट का नहीं पता होगा सॉल्वेंट का कैसे होगा, लेकिन सोल्यूशन का कैसे पता चलेगा हमें, सॉरी सॉल्वेंट बोल गया। यहाँ पे सॉल्वेंट का दिया गया हुआ है 18 + x, इसको ले लेते हैं इधर मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 उसने दिया है, ये 10 100 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 10% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 ओवर 100, तो x ओवर 18 + x। तो ये देखें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 × 18 + x 100x। अब ये देखें, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 180 + 10x इज इक्वल टू 100x, तो ये 10x - 100x, ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा 180, तो -90x -180 माइनस माइनस से कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 2 ग्राम। तो आपने दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है, अगर समझ नहीं है तो दोबारा जाके देखें। अब हम वेट ओवर परसेंटेज वेट ओवर वॉल्यूम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज वेट ओवर वॉल्यूम में वो आपको मोलैरिटी दे देगा, पूछेगा वो आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे देगा, पूछेगा कि मोलैरिटी क्या है। इसके करने का एक फार्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा, या तो वो आपको दे देगा कि मोलैरिटी ये है, परसेंटेज वेट और वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि मोलैरिटी है 4% वेट और वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो मोलैरिटी क्या होगी। अब ये देखें, मोलैरिटी का फार्मूला है परसेंटेज वेट ओवर वॉल्यूम जितना दिया गया है मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर मोलर मास। मोलर मास यहाँ पे 4 है मल्टीप्लाई बाय 10, मोलर मास कितना होता है NaOH, NaOH का 23 + 16 + 1, तो ये आगे 40, ये 4, तो इसका आंसर क्या आगे 1 मोलर। ये कितने मोलर, मोलैरिटी क्या है इसकी, 1 1 मोलर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं आप, अगर वो कोई भी आपको तो कंपाउंड दे दे तो इसका क्या होगा, 10% वेट ओवर वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ CaCO3। 10% को मैंने आपको कहा था, फिर से मैं फार्मूला लिख देता हूँ, परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 100 ओवर सॉरी मोलर मास, मोलर मास इसका कितना है, सी का 40 + 12 + 16 3 बार 48, तो ये आ जाएगा 100। अब ये देखिए परसेंटेज कितनी है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 100, तो ये 0 0 से कैंसिल, तो ये आगे इसकी मोलैरिटी 1 मोलर। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में। अब ये देखिए, एंट्री टेस्ट में जो मसला होता है वो ये होता है कि बच्चों को पता नहीं लगता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे उसने क्या पूछा है, मोलैरिटी ऑफ CaCO3 सॉल्यूशन इज 5, फाइंड द अमाउंट ऑफ CaCO3 डिजॉल्व इन 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। अब ये देखें, 100 cm³, अब यहाँ पे अगर वो पूछता कि फाइंड द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते, लेकिन वो अगर आपको इस तरह की लैंग्वेज में दे दे तो आपको अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना होगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन भी कैच कर सकें। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला तो वही लगेगा, मोलैरिटी 5 इधर आ गई, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर मोलर मास कितना है CaCO3 का, 100
तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 10, ये इसे कैंसिल, 5 10 जा 50% वेट बाय वॉल्यूम इसका आंसर होगा। तो यकीनन आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में मसला है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।